मेरी मम्मा इधर आके धूम मचा ले बनी हुई है। सब गायब हो गया, मुझे नहीं पता ये लोग किधर हैं। ओके गाइस, सो ये आज का एस्थेटिक फैशन है, ये जो पिंक से कलर का अंकल ने पहना हुआ है। बच्चे बेगल बेगल कर रहे हैं, बेगल खाने बस कर दो। ये देखो जरा हीरा भी चली गई यहाँ पे फरारी। गाइस इन्होंने लिहाज नहीं किया, ये टर्की आके भी यही हरकतों पे उतरी। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. अभी हम लोग घूमने आए हुए हैं यहाँ पे, बाजार वगैरह निकले हुए थे विद अम्मा। पीछे मेरी बहनें जो है वो घूम गई हैं और यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, आपको एक्सप्लोर कराते हैं। यहाँ पे कुछ मार्केट्स हैं, यहाँ पे आई थिंक वो है ग्रैंड स्पाइस बाजार समथिंग है, तो वहाँ चलते हैं देखते हैं कि क्या है, क्योंकि मुझे बहुत ही डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कल्चर देखने को मिल रहा है, विच इज़ अमेजिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सो भाई हम लोग चल रहे हैं अभी, वैसे हम लोग का प्लान था मस्जिद घूमने का, पर वहाँ पे अभी नमाज ब्रेक चल रही थी तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग तब तक घूम लेते हैं बाजार, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ओके अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया बहुत ही यम्मी सी फूड एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अच्छा वैसे मैंने सुना है जो टर्किश है ना कुजीन, वो अपने कबाब की वजह से मशहूर है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानी कबाब आर द बेस्ट, और ये पता नहीं क्या है, आई थिंक कुछ इनका ट्रेडिशनल है, बट आपको न्यू ट्राई नहीं करना चाहिएगा बस वहाँ के आपको लोकल डिशेज खानी चाहिए। ओके गाइस, तो आई थिंक ये कोई मस्जिद है और यहाँ पे इतनी मज़े की ज्वेलरी लगी हुई है, सेम वही वाली वो जैसे अर्थरूल में नहीं पहनती हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट। वाओ, मामा पापा पीछे रह गए, उनको बुलाती हूँ और इसमें से देखते हैं कि हम क्या ले सकते हैं। इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। व्हाट्स योर स्पेशल पीस ओवर हियर? ऑल आर स्पेशल। ओके या द दरवेश, या ओके, एंड व्हाट्स द प्राइस? 1000 लीरा। लेकिन मुझे लग रहा है 1000 लीरा इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ओ माय गॉड, यहाँ पे वही सेम स्पाइसेस, आई थिंक स्पाइसेस इनके हर दुकान पे पड़े हुए हैं, शायद इसका नाम इन्होंने स्पाइस बाजार इसीलिए रखा है, हर दुकान में स्पाइस पड़े हुए हैं और इनकी स्पेशलिटी है। देखना सारा यार, मैंने अपने 25 रुपीज़ किसको दिए हैं यार, मुझे ये लेनी है, वो नहीं खानी, आई वॉन्ट टू ईट दिस वन। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे मिली है, इतनी प्यारी मार्केट है, ये कौन सी है जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे काफी सारी कलेक्शन लगी हुई है, शूज लगे हुए हैं, बैग्स हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस मार्केट? अल बाजार। ओके, दिस वन इज द अल बाजार। यहाँ पे काफी इस तरह की चीजें हैं, कितनी क्यूट कल्चरल चीजें हैं यार, मेरी बहनें इधर उधर घूम रही हैं वरना मैंने लेके आती, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या खरीद सकते हैं, रग्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बहनों को ढूंढती हूँ लेके आती हूँ, फिर हम यहाँ पे पिक्चर्स लेंगे। Okay, what you are talking about my shawl? If you want, bring here, I will sell it. Really? Oh, really? Wow. Oh my God! Yes, of I can. Course. We can do something like this. Yes, you make, I will sell it. वो कह रहे हैं कि मुझे आपकी शॉल बहुत अच्छी लगी है, आप इधर लेके आओ और मैं इसे यहाँ पे बेचूंगा. Seriously? Like how can we proceed on this? This is very nice. But if you bring, I sell it. I give you my number. Yeah. What you like, I will send you to Yari anyone. Done. You know what? There are many colors in it: maroon, green, whatever color you like. You bring any color, I will sell it. Any color you bring. भाई यहाँ पे तो हमने business deal close कर लिया almost. Mama, look here, Mama. Hello, Mama. Hi, Mama. Hi. You are so nice. You are so kind. Thank you. Rabia, how are you? Rabia, this is seat wala Rabia. Rabia. Okay, guys. So, हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रैंड बाजार में. काफी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे. अब देखते हैं, explore करते हैं. क्योंकि मुझे shopping के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन मुझे था कुछ इनके कल्चरल कुछ वो चीज़ें देखनी है, वो आई थिंक हम लोग फिर किसी दिन चलेंगे. क्या क्या रग्स पड़े हुए हैं मम्मा, आज रग्स देखते हैं. ये मेरी बहनें इधर घूम रही हैं. इनकी ना ज्वेलरी सबसे अमेजिंग है, कपड़े वगैरह तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें ना कराची में मिल जाती हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो ज्वेलरी है ना वो नहीं मिलेगी. नाउ वी हैव टर्किश रग्स, कितने प्यारे हैं. ओके लेट्स सी, इसकी प्राइस पूछते हैं कि इनका थोड़ा प्राइस का भी आइडिया हो जाए. How much for this one? Yeah, this one. 1200 lira, like 1200 का है ये इनका रेट में. आप कन्वर्ट कर लीजिए. या इज इट रग और अच्छी जाय नमाज है, तभी इतना प्यारा है. ओके ये रग है. व्हाट्स द प्राइस फॉर द रग्स? Rug handmade, machine made, chains. Okay, what's the price for the handmade? I think this one is the handmade. 5000. Oh my god, I think वही है जो अर्थरूल में वो जो घर बैठ के नहीं बनाती थी rugs. और I think Turkish में ना, तुर्की में सबसे ज़्यादा famous इनकी ये hand rugs हैं. Just so good. Okay, ये इनका machine made है.
बट आई थिंक जो बात हाथ वाले में ना वो ज्यादा अच्छी है, ये भी प्यारा है। ये मशीन ये है ना, एंड हाउ मच फॉर द मशीन वन? 1500 और आई थिंक वो 5000 का दे रहे हैं। वी कैन चेंज द साइड्स व्हेनेवर वी वांट। या ये वेट भी कैरी करके वापस लेके जाना है, बट दे आर टू गुड। इतना प्यारा ज्वेलरी पीस है, ओ माय गॉड। बस तो वहीं पे अच्छे लग रहे हो, ठीक है मैं बाद में लेंगे। और इनके जो पेंडेंट्स हैं, इट्स सो प्रिटी। तो गाइस फाइनली हम सब लोग निकल आए हैं बाजार से, अब हम लोग जा रहे हैं घर। किसी को भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों घर चलते हैं। सालों समझ नहीं आंडे ऐसे की कह रहे हैं। या अरे पश्तो बोल रहे हैं हम, टर्की में आके पश्तो बोल रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पश्तो नहीं आता। बच्चा गाना मैं, बच्चा गाना मैं, बच्चा गाना मैं। ओके गाइस, तो ये इतना पहाड़ी इलाका है ना कि मतलब वहाँ से ऊपर से नीचे हम इस तरह से स्लाइडिंग टाइप चल चल के आगे थक चुके हैं। हमें नहीं पता था मैंने इस टाइप के शूज़ पहन लिए हैं, और इस टाइप के शूज़ में भी चलना इतना ज़्यादा, क्योंकि हम आधे घंटे से लगातार मुसलसल चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। पापा को तो कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उनके शूज़ देखें इस टाइप के हैं। तो डेफिनेटली यार आदमियों को इतनी फिक्र नहीं होती चलने की। अभी बेंचेस मिले हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ के रेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं आगे किधर जाना है। ये थकी हारी माशुकाएं आ रही हैं दोनों। ओके गाइस, तो अब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी वैन में, और अब हम लोग जा रहे हैं तकसीम स्क्वायर। वहाँ पे भी एक अच्छी सी जगह है, सोचो वो एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो देयर। तो अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना जल्दी जल्दी उतरना है, यहाँ पे कुछ ना बचा हुआ था, नाश्ते का जो हमने बचाया था ना वो खा रहे हैं। लंच बॉक्स रख रहे हैं बैग में, इतना मजे का केक है कि फायद शादी। पापा अच्छे बच्चों की तरह ना सारा चीजें ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है ना। बाय। क्या कह रही हो इसे, क्या कहते हैं? कमर कस। और इसे कहते हैं जल्दी जल्दी चलना। हम लोग जा रहे हैं, क्या बोला था पापा ने, टावर टाइम नहीं, टाइम तकसीम स्क्वायर। हम जा रहे हैं तकसीम स्क्वायर। आपको तो मैंने एक बच्ची की वीडियो में देखा था, उसने फोन यहाँ रख के वो वाली बिल्डिंग ली हुई थी। वही कितनी प्यारी बिल्डिंग है। मैंने फातिमा से बोला मामा पीछे देख के जरा। हाँ बोला कौन सी बिल्डिंग है, तो उसने बोला शायद भी पैरिस वाले होगा, लेकिन वो तकसीम स्क्वायर बहुत प्यारी है। तो गाइस मुझे दिख गया है तकसीम स्क्वायर यहीं से ही, और टर्किश चाय में ना हल्की सी ना कड़वाहट आती है, पानी दे पाया। मैं नहीं पीना, और मैं ना हर जगह जहाँ मैंने नहीं पता मैंने पाकिस्तानी। वो कह रही है इनकी चाय का फायदा, आपकी चाय का कोई फायदा नहीं है भाई। अब हमारी चाय से जो चस आती है ना वो क्या ही बताएंगे। अच्छा ये वाली चाय पाकिस्तानी चाय मूड फ्रेश करती है। यस ओनली पाकिस्तानी चाय लवर्स डू कमेंट बिलो कि भाई हमारी चाय इज ज्यादा अच्छी है। यार ये लीमू है कि किनो है, ओह माय गॉड यार इतने लेमन मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। इतना मैं खट्टा खाती हूँ ना उस लिहाज से दिस साइज इज परफेक्ट। चलते हैं अभी। इन बंदियों ने ना हर जगह तंग किया हुआ, जहाँ जाएंगी ना जहाँ भी पिक्चर्स ले रुक जाएंगी कहीं ना कहीं। देखिए दुकानों की तस्वीरें, एक ये फोन में लगी हुई है, दूसरी अपने ही उस मस्ती में। यहाँ पे पापा वेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, और देखिए फिर रुक गई हैं वहाँ पे। यार आ जाओ। और ये है वो वाला टावर जो हम देख रहे हैं। ये पहले पानी के बीच में था, ये पहले पानी के बीच में था, ये जो है इतना बड़ा पानी इतना ऊपर तक था, पानी इतना ऊपर नहीं था, पानी तो यहाँ था। तो ये इसको बड़ा किया इन्होंने, कॉम्प्लेन भी लाया इनको थोड़ा सा। पानी ऊपर था या ये नीचे था? प्रोटीन शेक वगैरह देते थे इसको, तो ये माशाल्लाह। तो ये कैसे नहीं, इसकी पूरी हिस्ट्री बताइए, पानी में क्या था ऊपर? ये समंदर था ना, ये लाइट हाउस था। अच्छा ये लाइट हाउस था, और जिस जहाँ पे हम खड़े हुए वो सारा समंदर आया। समंदर के अंदर खड़े हैं अभी, ऊपर खड़े हैं। अब बना लिए, अब तो जमीन है, जमीन है। इसके नीचे भी पानी है। धूम मचा ले बनी हुई है। मम्मा ये क्या है? चलाना है आपने?
धूम मचा ले धूम मचा ले धूम पीम पीम पीम। बेसिकली ना यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे बैठने की जगह नहीं मिल रही, जो पापा अपने यहाँ पे काम करने गए हैं और हम लोगों ने सोचा कि हम ज़रा इधर ही बैठ जाएं थोड़े टाइम के लिए। तो भाई जो हम देखने आए हैं अब फाइनली हम लोग वो देखने जा रहे हैं, और मुझे पता चला है कि जो मैं आपको दिखा रही थी, जो मैंने पहले इसका नाम लिया था, ये गलत था, ये कुछ और है। और जो हमने मेन जगह देखने जानी थी ना, वो भी हम जा रहे हैं ऑन द वे है, ये वो नहीं है जो था, जो मैंने बताया था, बट जो इसकी हिस्ट्री बताई थी दैट्स ट्रू। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों की जो वैन है वो लोग वो आ चुकी है। जल्दी जल्दी, यहाँ पे ट्रैफिक हम ज़्यादा देर रोक नहीं सकते, तो भाई फटाफट से अंदर बैठते हैं, फटाफट से चलो 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 मेरी जगह पे बैठ गई हो राबिया, मम्मी भी बैठ गई, सब आ गए हैं, लेट्स गो गाइस। भाई हम फटाफट से उतर गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, और अब की हमारी लोकेशन पता नहीं कौन सा टावर। चलो चलो जल्दी जल्दी आए दे आए दे आए दे जहाँ नई लोकेशन वहाँ पिक्चर, जहाँ नई लोकेशन वहाँ पिक्चर, इतनी पिक्चर्स लगाओगे कहाँ। चलो आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ गाइज। ये जो तीन चेहरे हैं ना, ये तीन चेहरे इन लोगों को ना एक साथ इकट्ठा करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये कहीं पे भी रुक के पिक्चर्स देना शुरू हो जाएंगी। और देखें अब ये तो मेरे खिलाफ हो गया है ना, पीछे बट ये कहीं पे भी रुक जाती हैं। ओके गाइज, तो हम लोग इस मार्केट में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे इतना इतना ज़्यादा क्राउड है, और इनकी लड़ाई इस परमानेंट कभी ख़त्म नहीं होनी है, कभी भी नहीं। उल्टा आज आप इन्हें रोकोगे ना तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप हमें क्यों रोकती हो। हाँ हो गया डन, टकले बन गई है, ठीक है, कैमरा जैसी है साथ ही, अभी ना कोई छेड़े। अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं फाइनल वाली, सो लेट्स गो। ओके, सो यहाँ पे अब हमें दिखा है जहाँ पे आप ही गई थी वहाँ पे, हाय ओ दे लुक सो सो रियल। हमने फोन भी पकड़ा हुआ है, मैडम द सॉट्स आई थिंक यही नाम है शायद, और यहाँ पे कोई एंट्री टिकट, अगर मैं इधर रुकी ना तो मेरे घर वालों ने ना मुझे छोड़ देना यहीं पे ना। सो यहाँ पे ये भी बैठी हुई है, से हाय हाय टू एवरीवन। चलो अभी हम निकलते हैं, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं रुक गई तो मेरे अब्बा ने कत्ले आम कर देना, क्योंकि पहले हम घूम गए थे खट्टा ढूंढते रहे पापा को। गेस वॉट, मैंने मामा पापा पूरी फैमिली से अलग होके वहाँ पर क्लिप बना रही थी ब्लॉग का, और सब गायब हो गया, मुझे नहीं पता ये लोग किधर हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि जाना किधर है, ना वो मुझे पीछे दिख रहा है, ना वो मुझे यहाँ आगे कहीं दिख रहे हैं। और थोड़ी सी इतनी सी जो टेंशन होती है ना स्लाइटली वाली, वो शुरू हो गई है ना। मेरे पास पापा का टर्की वाला कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो राबिया मैडम की पुरजोर फरमाइश पे हम लोग यहाँ पे लेने लगे हैं बेगल्स। की किस्मत में न्यूट्रेला आने वाला नहीं था, फिनिश वो तो मैं कह रहा है फिनिश, दुकान बंद हो गई, सब फिनिश, तो आप कुछ और ढूंढते कहीं और से बैगल्स ले लें। और बहुत ने उसको उससे पूछ के आती हूँ क्या बदतमीजी, अब दोबारा आएगा तो सब लेना है, ठीक है। हाँ कहीं और आएगा तो फिनिश फिनिश, उसको लगा कि ये वो है न्यूट्रेला वाला फिनिश हो गया, लेकिन वो सारे फिनिश हो गए थे। मम्मा मैं इतना थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ कि मैं उससे घर जाना, मुझे भी फर्क पड़ रहा कहीं और घूमने जा रहे कि नहीं, और इसको सुरगिरी टांगे रुक जाए, सुरगिरी रुक जाए, मुझे भी दे दो थोड़ी सी। ओके गाइस, तो ये आज का एस्थेटिक फैशन है, ये जो पिंक से कलर का अंकल ने पहना हुआ है, मुझे नहीं पता है कहाँ का फैशन है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रही थी नहीं फैशन है भाई, फैशन है। तो फाइन, राबिया को अब उसकी मर्जी के मुताबिक मिल गए हैं, सेम चूज करो अपनी मर्जी की ब्रेड। She want with the Nutella. I want with the Nutella, lot of Nutella. But Yeah, only one. Only one, 25. Okay, okay. पापा को बुलाओ पैसे देने हैं बेटा, 25 के पास है, इस तरह से कट कर रहे हैं,20 दिए हैं साथ में 5 दे दें। थैंक यू, बाय।
ओके गाइस, अब हम आपको खा के टेस्ट करके बताते हैं। जब से चले कह रही मैंने यही खाना है। राबिया ऐसे टेस्ट तो करा रहा है क्या? राबिया चीज ना, मैं थप्पड़ लगाऊंगी। राबिया ने पूरी ना खाया। राबिया कुछ बोल ही नहीं है, इसका मतलब सेम वही है, बन के अंदर न्यूटेला लगा हुआ है जिसके से 25 लीराज भरे हैं। पापा मामा मामा इधर है, पापा मामा पापा इधर है, फिर घूम जाएंगे। मैं पहले घूम रही थी। गाड़ी का वेट करें यहाँ पे स्टेशन पे रुक के। हाय गाइस, राबिया अपनी बिस्ती से पहले पिक्चर लेना चाह रही है, ठीक है। फातिमा, इट लुक्स लाइक एग्जैक्ट सेम जैसा के बन के अंदर न्यूटेला। डोनट भी अच्छा है, डोनट की डो जो होती है सॉफ्ट होती है। मैंने फातिमा को बेगल की खानी बताई है। ज़ैनब राबिया बेगल बेगल करा दे, बेगल खाने बेगल कर दो। सारा मैं कह रही तू खाना, तू खाना। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं नहीं खाने, दो वापस खाने मैंने। राबिया क्या मतलब, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन है। नहीं सही, तुम सही बात मैं तुम्हें रोज किया। बच्चे बेगल बेगल जब से आए तब से मैंने वो देखो भी खा दिया, देखो आंटी भी खा रही। ओके गाइस, तो यहाँ पे आई हुई है टर्की की पुलिस। पुलिस आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे मुझे इतनी प्यारी लोकेशन दिखी है, स्पेशली वहाँ पे जाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये है क्या। मुझे उसकी कोई हिस्ट्री उस्ट्री नहीं पता, और काफ़ी सारे लोग चुरबड़ बना के खड़े हुए हैं, तो देखते हैं भाई ये क्या है। पिक्चर्स लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। और ये कुछ इस टाइप का है, आई थिंक ये कोई इनका हिस्टोरिक है, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता। किसी को ढूंढते हैं ताकि वो हमें इसकी हिस्ट्री बता। मुझे इसका पूरा इसके गिर्दो नवा घूमना पड़ रहा है। अच्छा, ये कोई ना कहानी बयान कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। अच्छा मैं अब इसका ना थोड़ा वो करती हूँ, इसकी हम कहानी बताते हैं, ठीक है। ये देखने से ऐसा लग रहा है जैसे बाहर जंग छिड़ी हुई है, वो गोले बारूद लेके खड़े हुए, पीछे पूरी टीम है, नीचे बच्चा उसने गोद में लिया हुआ है, बच्चा बीमार है, और वो कह रहे हैं कि आओ हम फाइट करते हैं पूरी टीम लेके। ये देखिए यहाँ पे ये जो है इसका बच्चा बीमार है। इफ़ आई एम करेक्ट, टू लेट मी नो, अगर मैं गलत हूँ तो फिर भी बता दें। अच्छा आपसे कहानी पूछनी है, वो स्टैचू की कहानी क्या है? वो स्टैचू बेसिकली जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था ना, तुर्की का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कमाल अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क, ये पूरा उसका नेम, ठीक है। तो वो यहाँ का नहीं, फाउंडर ऑफ टर्की है। सो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। बिल्कुल सही गैस के पापा। देखो निकलते हैं हमारे किसी चीफ मिनिस्टर के पास ना हो, या टर्किश पुलिस के पास फरारी है और लोग इस पुलिस वाली गाड़ी के साथ जाके पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। चलो मेरी चलो फातिमा। ये देखो जरा हीरा भी चली गई यहाँ पे फरारी के साथ फोटो ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि टर्किश पुलिस के पास कितनी हैवी गाड़ी, देख के हंस रहे होंगे। हमें लग रहा है आपको देखो रहा है, पुलिस ने पीछे से तुझे पकड़ लेना, जाना उसकी फोटो ले लो। हो गया तेरा, चल पैसे पूरे पुलिस ने तेन फाड़ लेना, चल और चल। तो गाइस अब यहाँ पे स्लाइटली सी भूख लगी है सबको, तो हम देख रहे हैं क्या खाना है। चिकन में लेना है इनका, सिर्फ दो ले ले, इतने ज्यादा पेट है नहीं, इतना खाना क्या। आई थिंक लैब में है और वो चिकन में, बाहर देखो कैसे रहे। ओके गाइस, सो यहाँ पे इनका आ चुका है बर्गर, इसका आ चुका है रैप। मामा पता नहीं क्या खा रही हैं, सेम वही रैप समथिंग। और मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं सी फूड खाऊंगी, मुझे नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे कुछ और रास है। आई एम वेरी पिकी अबाउट नहीं है क्या, मुझसे खुलती नहीं है नेल से। आई एम वेरी पिकी अबाउट फूड, और मुझे ना ज़रा सा कुछ इधर उधर की स्मेल आए तो मैं नहीं खा सकती। गाइज इन्होंने लिहाज नहीं किया, ये टर्की आके भी यही हरकतों पे उतरी हुई बैठी हुई है यहाँ पे। वैसे इनको बैठने की जगह बनानी चाहिए, क्योंकि हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, जमीन पे नहीं रखा वो, कौन खाना खाता है। हाँ भाई चलो भाई चलते हैं, मेरे से राबिया बहन चलो। सिर्फ टर्की का सी फूड अच्छा है, अजीब से स्मेल है, और लोग ऐसे खा रहे हैं, इनके चिकन में से भी आ रही है, इनके पता बीफ में से भी आ रही है, लैम्ब में से भी, हर चीज़ में से आ रही है। तो भाई आई वॉन्ट रिकमेंड इस तरह की चीज़ें, आप इधर आके खाओ। सो फाइनली हम लोग आए हैं कराची दरबार टर्की में आके, अपने वतन की फूड ट्राई करने, ठीक है भाई। थैंक गॉड हमें इस टाइप का यहाँ पे खाना मिला, वरना मैं आज भूखी रहने वाली थी, भूखी ही सोने वाली थी। वालेकाम, चलो बैठ जाओ। गाइस अब लग रहा है जैसे हम ना कुछ अपना अपना मिला है यहाँ पे। ओके, किस किसने पीनी है चाय? 1 2 3 4 टेस्ला का 4 कप चाय।
और एक मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा का। इसमें कितने आएंगे सब? अब आइए चमचमाते हुए पकौड़ों की खुशबू एंड माँ के हाथ का प्यार नहीं होता वो, मुझे ऐसे लग रहा है अपनी धरती का प्यार याद आ गया जी। मजा जैसे मैंने बनाए हुए। हाँ, यहाँ से मुझे चाट मसाले की स्मेल आ रही है। वाओ, टू गुड। चाय लवर कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। इनकी चीनी देखो, चाय लवर दिखाओ। ओ नाइस, कितनी क्यूट लग रही है, क्यूट टिप है। इसको डालेंगे तो मेल्ट होगी। हाँ, मुझे भी दो चीनी, मेरे पास नहीं है। ओह अच्छा, ये डिफरेंट तरीका है शुगर का। और चाय लवर्स कमेंट बिलो के भाई पाकिस्तानी चाय इस पाकिस्तानी चाय। गाइस तो चाय शाय पी लिए, अब सब लोग निकल रहे हैं। हमारी जो बैटरी फुल हो चुकी है, सो लेट्स गो। हमारी अपनी हमारे फोन होने वाली है। अब हम लोग घर जा रहे हैं। पापा बुला रहे हैं। सो गाइस, हमारी स्पेशल वैन ये नहीं थी। मुझे लगा ये मुझे लगा तो भाई यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवाएं चल गई और यहाँ पे एक सिस्टम है फौरन फौरन बैठना है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे ज्यादा टाइम रुक नहीं सकती है, तो हमें ना गाड़ी के अंदर फौरन 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 बैठना पड़ता है। सारा फ्यूजन है कलर का। वाओ, कितना मजे का व्यू लग रहा है। और अपना रुमाल पीछे गिरा दिया, कहता है यू ड्रॉप समथिंग। सब कुछ यहीं पे घुमा के ठंडे हो गए, घर जाएंगे। मफलर नीचे गिरा दिया किसी ने, आके बताया यू ड्रॉप समथिंग, पकड़ के आई है। फिर पहले वो प्लेन में गिराई है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल। एक वहाँ इतना चल के आए हैं और एक इतनी ऊपर। आई थिंक ये फिफ्थ फ्लोर है ना। मैं तो पापा का इंतज़ार कर रहे थे, डैडी जो हैं वो आ गए हैं। इतनी मीठी है ये, इधर के फ्रूट्स में बहुत टेस्ट है, जैसे अंगूर उतना ही है। हाँ, मीठी है। रूम का व्यू देखो, रूम का व्यू देखो, वो देखो खिड़की से। ओ वाह, कितना प्यारा लग रहा है यार। वो बेचारी कितने अच्छे से साफ करके गई है। हमने इतना गंद था सुबह, बट उसने हमारी सारी चीज़ें समेट के इधर रखी हैं, बैग्स इधर रखी है। मामा हमसे ज़्यादा सलीके वाले तो वो लोग हैं। आई प्रोमिस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अच्छा साफ करेगी वो।